Hello friends, welcome to YouTube channel Knowledge and Education Hub. In present lecture, we will learn about the QAPF diagram for the GATE exam. First, QAPF diagram क्यों use करते हैं? ये diagram Ignis Rock classification के लिए use होता है. और इस diagram को read कैसे पढ़ते हैं, करते हैं और इसमें कैसे किसी minerals को classify करेंगे, rock को, इस चीज को हम इसमें समझेंगे. Let's start. सबसे पहले समझने से पहले ये एक फोनेटिक रॉक का एक QAPF डायग्राम क्लासिफिकेशन है. इसमें फोर कॉर्नर है, Q फॉर क्वार्ट्स, A फॉर एल्कली फेल्डस्पार, P फॉर प्लेजियोक्लेट फेल्डस्पार, F फॉर फेल्डस्पैथोइड. और इस चीज में जो QAPF डायग्राम होता है, इसमें जो फर्स्ट है, जो मिनरल कंटेंट है, वो मस्ट बी मोर देन द 10%. और सम जो होना चाहिए, दैट इज द एग्रीगेट ऑफ द मिनरल्स, इज ए 100%. तो इसमें जैसे कि ग्रेनाइट रॉक है, तो ग्रेनाइट यहाँ पे कैसे आया? ऑन द बेसिस ऑफ द मिनरल कंपोजिशन. और मिनरल कंपोजिशन को कैसे इस डायमंड शेप ग्राफ में प्लॉट किया गया है, इस चीज को हम इसमें सीखते हैं. इसके लिए कोई भी जनरल एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले हम एक यहाँ से पेन ले लेते हैं. सपोज कि हमारे पास कोई एक मिनरल है जिसमें क्वार्ट्ज इज इक्वल टू 25% है और फिर अल्कली फेल्डस्पार है जो 20% है. क्योंकि QAPF डायग्राम इज ए मॉडल क्लासिफिकेशन है, इसमें वॉल्यूमेट्रिक एरिया वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से परसेंटेज को लेते हैं. सपोज कोई भी रॉक है तो एक एरिया के हिसाब से उसमें कितना परसेंटेज ऑफ द मिनरल्स हो सकता है, इस चीज को उसे कंसिडर करते हैं. मॉडल क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉक इज ए QAPF डायग्राम. तो इसमें क्वार्ट्ज 25% है सपोज इन एनी रॉक सैंपल, और एल्कली फेल्डस्पार 20% है, और प्लेजियोक्लेट्स सपोज इज 30%. टेक द सम ऑफ द ऑल दिस इज इक्वल टू 75%. बट QAPF डायग्राम का जो रूल बेस है कि एक मिनरल परसेंटेज जो होना चाहिए वो मस्ट बी 100% होना चाहिए, तभी हम इसे प्लॉट कर सकते हैं. तो इसको प्लॉट 100% में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक टेक्निक का यूज करना होगा, जिसे नॉर्मलाइजेशन टेक्निक करते हैं. तो इसके लिए आप हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ से हम ले लेते हैं. इसे प्राइम कर देते हैं, क्यू प्राइम, ए प्राइम और पी प्राइम. तो इसमें नॉर्मलाइज करने का फॉर्मूला, जो सबसे आसान तरीका ये है, क्यू फॉर क्वार्ट्ज इज इक्वल टू क्यू प्राइम अपॉन 100 एंड समेशन ऑफ ऑल दिस थिंग, क्यू प्राइम, ए डैश प्राइम, पी डैश प्राइम, दैट इज द 75. और क्यू प्राइम इज यह 25, तो ये आपका हो गया 33%. सिमिलरली एल्कली फेल्डस्पार के लिए अगर इसी तरीके से हम करेंगे, इसी सेम फॉर्मूले में,
यहाँ पे क्यू प्राइम की जगह ए प्राइम हो जाएगा, 100/75 ही होगा, और प्लेजियो क्लास फर्स्ट की जगह यहाँ पी प्राइम हो जाएगा, और ये उसकी वैल्यू यहाँ पे पी प्राइम के 30% को हम पुट कर लेंगे और 100/75 होगा। तो इस तरीके से एल्कली प्राइम एल्कली फेल्सपार की जो वैल्यू आई है जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये इज इक्वल टू 26.6%, और प्लेजिकल फेल्सपार की जो वैल्यू आई है दैट इज द 40%। ओके नाउ, और अगर हम इन सबका अगर ऐड करें ए प्लस पी प्लस एंड क्यू, 26, 40 एंड 33, दैट इज द 100%। इट्स मस्ट बी 27%। इट इज द 40, 27 एंड 33, एंड दैट इज द 60 एंड 40, दैट इज द 100%। Now come to the plot on this, what type of the rock that containing this type of the percentage mineral। सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। हमारा ये हमारा जो फर्स्ट ये 27% अल्कली फेल्डस्पार, यहाँ पे 5% है, 27% ये 65, और ये यहाँ पे करीब ये आगे 90, ये होगा आपका 80, और यही कहीं होगा 70। ये लाइन गई आपकी अल्कली फेल्डस्पार के लिए। यहाँ पे फेल्सपेथाइट को नहीं कंसिडर किया है क्योंकि रॉक क्वार्ट्ज और फेल्सपेथाइट नेचर में एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसके लिए हम अलग से एल्कली फेल्सपार, प्लेजियोक्लेस या फेल्सपेथाइट को कंसीडर करेंगे, नहीं तो क्वार्ट्ज एल्कली फेल्सपार या प्लेजियोक्लेस को इस तरीके से कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पे कम टू द प्लेजियोक्लेस, दैट इज द 40। तो प्लेजियोक्लेस ईयर, वन थिंग आई हैव रॉन्ग, दैट इज ओके, आई एम गोइंग टू इन ए रॉन्ग वे। हियर एल्कली फेल्डस्पार इज 27%, हियर 100% इज एल्कली फेल्डस्पार, 100 दैट इज द, एंड हियर कम टू द वेरी लेस परसेंटेज ऑफ एल्कली फेल्डस्पार, दैट इज हियर 10, हियर इज द 20, हियर इज द 27, दैट ओके आई एम गोइंग राइट वे, हियर दैट इज द 27%। अपॉर प्लेजुकली दैट इज द 40%, तो 40% प्लेजियोक्लेस हियर द 90, 65, 35 हियर, दैट इज द 40% इज कम टू द हियर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो गई कि जो हमारा ये मस्ट बी ए सिंगल लाइन होना चाहिए, ये दो लाइन को शो कर रहा है, क्योंकि अब टू लाइन से अब फिर क्वार्ट्स के लिए तो एक हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा जिससे हम उस रॉक को डिफाइन नहीं कर सकते, वो किसी और के डोमेन में भी जाएगा, दैट इज कॉल इन द अदर डोमेन, इट मस्ट बी इन ए सिंगल लाइन, और इसके लिए हमें फिर से नॉर्मलाइज करना पड़ेगा ए और पी को। ओके तो ए और पी को फिर से अगर नॉर्मलाइज करते हैं तो सेम वे में उसी फॉर्मूले में चलेंगे, सेम वे में उसी फॉर्मूले में चलेंगे, तो यहाँ पे जो ये ए प्राइम मान लेते हैं, पी प्राइम मान लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 27 अपॉन 100 अपॉन 67, क्योंकि 27 है, 40 इज 67, एंड टोटल इज इक्वल टू 59.7, दैट इज द 60%। सिक्सटी परसेंट सिमिलरली फॉर दिस इज फॉर पी, सिमिलरली फॉर ए,
इधर 40% पी प्राइम, तो उसी फॉर्मूले से पुट करके हम निकाल लेंगे, यहाँ पे पी प्राइम इज 40, तो 40 पुट करेंगे 100/67 ही होगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए जो है 40 आएगा, 40 + 60 = 100, तो ये मस्ट बी सिंगल एंगल। अब यहाँ पे हम इसे प्लॉट करते हैं, एल्कली फर्स्ट बार इज 40, तो एल्कली इधर 100 है, दैट इज 100, यहाँ तक गया तो एल्कली फर्स्ट बार कम टू द 35, ये मस्ट बी ये 40 ये लाइन। सिमिलरली 60% ये है प्लेजियोक्लेट फेल्सपार, नो सॉरी एल्कली फेल्सपार, प्लेजियोक्लेट फेल्सपार इज 60% राइट, ओके प्लेजियोक्लेट फेल्सपार इज 60%, दैट इज द पी, बिकॉज यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया था, 40 दैट इज 60%, दैट इज 59.7, और एल्कली फेल्डस्पार जो है ये है दैट इज 40%, हाँ ये 40 ही आएगा, इसको आप पुट करके चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला सेम है उसे चेक कर, तो एल्कली फेल्डस्पार 40 हम इसे प्लॉट कर चुके हैं, प्लेजिकुलर 60 है, 65 ईयर आया, तो ये दैट इज कम टू द 50 एंड 40, ये वाला सिस्टम जो है एल्कली पॉइंट जो एल्कली फेल्डस्पार और 40 और 60 पे रिप्रेजेंट करता है। ये क्वार्ट्ज 25%, तो क्वार्ट्ज 25% कम टू द क्वार्ट्ज 25% 20 एंड हियर द मस्ट बी 25%, दिस रॉक इज द दिस रॉक इज द ग्रेनाइट एंड दैट द कंपोजिशन ऑफ द ग्रेनाइट। तो यहाँ हम सीख गए कि अगर परसेंट ऑफ द रॉक दिया हुआ है मिनरल्स इन एनी रॉक, तो हम उसको फॉनरेटिक रॉक के आई क्यू पी एफ डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज, और ये दिया गया IUGS के बात का है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो परसेंटेज ऑफ द मिनरल होना चाहिए वो मस्ट बी मोर देन 10% होना चाहिए फॉनरेटिक। फॉनरेटिक रॉक क्या होता है विच कैन बी सीन विद नेकेड आई, और हम इसे टेक्सचर वाले वीडियो में कवर कर ही चुके हैं। तो क्या आई होप आप सीख गए होंगे कि QPF डायग्राम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंट ऑफ द मिनरल्स। अगर आपको ये पसंद आया हुआ ये क्लासिफिकेशन सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और सब्सक्रिप्शन को बढ़ा दीजिए, सबसे पहले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसका सब्सक्रिप्शन 1000 तक पहुँच सके और आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।